देखिए बायंसी फोर्स क्या होता है, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे, प्लस सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है। देखिए समझिए, जब किसी बॉडी को हम पार्शियली या कम्प्लीटली किसी फ्लूड में डिस्प्लेस करते हैं तो उस बॉडी पर नए फोर्स लग रहा होता हो रहा होता है इन अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन। वो फोर्स जो लग रहा होता है अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, वही वो कहलाता है बायंसी फोर्स। और ये बराबर होता है जो फ्लूड, जब बॉडी को हम उस लिक्विड में डिप करेंगे तो जो फ्लूड डिस्प्लेस होता है ना उसके बराबर होता है, जो वेट फ्लूड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर होता है। मैंने नेट अपर डायरेक्शन क्या बोला, नेट वर्टिकल डायरेक्शन या फिर नेट अपर डायरेक्शन बोल सकते हैं, या नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, और अपर बोलिंग तो ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि उसमें जो फोर्स लग रहा होता है वो अपर डायरेक्शन में रहता है। ये मैंने क्यों बोला इसको समझने की कोशिश कीजिए। माना एक बॉडी है, इस पर फोर्स लग रहा होगा सभी डायरेक्शन से, मानते हैं आप इस पर सभी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा होता होगा, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा फोर्स का वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो बॉडी पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा क्या, ओनली वर्टिकल फोर्स, यानी कि इन वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहेंगे, बॉडी पर सभी तरफ से फोर्स लग रहे होंगे, लेकिन इधर पे जो फ्लूड रहेगा वही फ्लूड इधर पे रहेगा, प्लस जो अमाउंट ऑफ फोर्स वो फ्लूड अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से वो बराबर रहेगा। तो क्या होगा, इस बॉडी पर नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा होगा, ये फोर्स लग रहा होगा, इधर से ये फोर्स लग रहा होगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो नेट रिजल्टेंट अपर डायरेक्शन में आएगा, ये होगा एफ वी। अब देखिए आप तो बोलेंगे कि इस पे भी अपर डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में से भी लग रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले चले जाइए आप प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच। जैसे जैसे लिक्विड में नीचे हाइट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी प्रेशर फोर्स बढ़ता जाएगा, प्रेशर फोर्स बढ़ेगा, प्रेशर फोर्स के लिए एरिया भी बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा रो जी ए एच तो उस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी बढ़ेगा, इसलिए नीचे ज्यादा फोर्स लगेगा ऊपर बॉडी पर कम फोर्स लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड में हाइट बॉडी की डेप्थ में जाती जाएगी उस पर लगने वाला फोर्स होगा वो बढ़ता जाएगा, इसलिए जो फोर्स लगता है वो नेट अपर डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा बॉडी पर वो अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, हाँ फोर्स वो बराबर होगा जो लिक्विड को बॉडी जब हम डिप करेंगे तो डिस्प्लेस करेगी ना उस लिक्विड के वेट के बराबर, यही हो जाएगा बायंसी फोर्स। जैसा कि अभी तक आप समझ चुके हैं बायंसी फोर्स क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज, जब हम किसी बॉडी को When a body is immersed partially or completely in a liquid, then the upper direction, then the net upper direction force applied by the fluid on the body is known as buoyancy force. और ये force होता है वो liquid जो displaced होता है उसके weight के बराबर होता है। अब एक example और लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। यदि body किसी shape की, माना कि body इस shape की है, बॉडी इस शेप की है, तो इस पर जो बायंसी फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी जीरो। क्यों, उसको समझने के लिए एक दूसरी बॉडी लेते हैं। इस बॉडी पर फोर्स लगेगा यहां पर, ये फोर्स होगा वो बायंसी फोर्स होगा, लेकिन जो वर्टिकल बॉडी है वो इस तरह हम किसी बॉडी को डिप कर देते हैं तो उस पर बायंसी फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि जो सरफेस हो रहा होता है कहाँ, किस सरफेस पर फोर्स लगेगा, इस सरफेस पर फोर्स लगेगा, ये तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लगाइए फोर्सेस पे, तो इस पर जो नेट रिजल्टेंट फोर्स लगने वाला है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगने वाला है, तो बायंसी फोर्स तो नीचे से लगता है, यानी कि उसकी डायरेक्शन तो अपवर्ड होनी चाहिए, इसमें डायरेक्शन अपवर्ड फोर्स की आ ही नहीं रही है,
तो इसमें बायंसी फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि बायंसी फोर्स लगता है वो यहाँ पे लगता है, क्योंकि इधर पे ऊपर से तो लगेगा प्लस नीचे से भी फोर्स लगने वाला है, तो इस केस में जो बायंसी फोर्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। और वैसे भी आप देख सकते हैं ना, जब बॉडी को ऐसे करके आप डिप करेंगे ना, तो फ्लूड यहाँ पे फिल हो जाएगा और ऊपर फिल हो जाएगा, फ्लूड डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। जब फ्लूड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो फ्लूड के वेट के बराबर इसका बायंसी फोर्स होता है, तो बायंसी फोर्स होगा ही नहीं यदि बॉडी को आप उल्टी करके डिप कर देंगे। इस तरह डिप करेंगे तो इधर पे बायंसी फोर्स आ रहा है इसलिए लगेगा। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, दूसरा टॉपिक सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है। माना एक सिलेंडर है हमारे पास, इसकी टोटल हाइट एच है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। एक और सिलेंडर है, या फिर बोल सकते हैं आप दोनों ही सिलेंडर एक ही हैं, जिसकी हाइट भी एच है, पर हम दो लिक्विड ले रहे हैं, हम किसी लिक्विड में उसको डिप कर देते हैं वो कंप्लीटली डिप हो जाता है, यानी कि अप टू एच हाइट तक वो डिप हो जाएगा। तो इस पर जो बायंसी फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, रो जी ए, रो जी ए एच, क्योंकि ये हो जाएगा स्पेसिफिक वेट, ये हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है। अब सॉरी ये एच बड़ा होगा, ये हो जाएगा बायंसी फोर्स इस बॉडी पर। अब आप ये समझेंगे कि बायंसी फोर्स की जो वैल्यू होती है वो होती है रो जी ए एच, एच यानी कि कंप्लीट हाइट। नहीं, उसी डाउट को क्लियर करने के लिए दूसरा डायग्राम बनाया है। माना कि इस सिलेंडर को हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं, ठीक है, तो ये केवल इतनी हाइट तक यानी कि स्मॉल एच तक इसमें डिप होता है, टोटल हाइट एच है। तो इस पर बायंसी फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा रो जी ए एच, यानी कि जितनी बॉडी डिप होगी उसी की हाइट लेनी है, कंप्लीट बॉडी की हाइट आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर स्मॉल एच तक डिप हो रही तो रो जी ए एच यही इसकी हाइट होगी, जिस पर जितना की इस बॉडी पर अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। अब मैंने दूसरी बात की थी सेंटर ऑफ बायंसी क्या होता है, बॉडी का जितना पार्ट लिक्विड में, माना कि यहां तक डिप है और ये कंप्लीटली सबमर्ज है, सॉरी मैं क्या बना रहा हूं, ये लिक्विड में है, तो इस बॉडी का इतना पार्ट इस फ्लूइड के अंदर है। अब जो बॉडी का पार्ट फ्लूइड के अंदर है, उस बॉडी का यदि आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे ना, तो उस फ्लूइड के कारण जो फोर्स लग रहा होगा बायंसी फोर्स, वो आ जाएगा सेंटर ऑफ बायंसी, यानी कि उस फोर्स के कारण उस फोर्स का सेंटर जहां पर वो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूं। माना कि किसी बॉडी को आपने लिया, लिक्विड में डिप कर दिया, तो उस पर बायंसी फोर्स इतनी हाइट तक डिप किया तो उस पर बायंसी फोर्स लगेगा रो जी ए एच, प्लस जितनी बॉडी आपने उस लिक्विड में डिप की है उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे जितना भाग उस लिक्विड के अंदर है वही हो जाएगा सेंटर ऑफ बायंसी। समझ में आ गया, यदि बॉडी कंप्लीटली डिप है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ बायंसी बराबर हो सकते हैं, पर दोनों ही बराबर होंगे तो बॉडी बैलेंस में आ जाएगी, यानी कि बॉडी पर नेट रिजल्टेंट अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। तो इस सिलेंडर को आप माना कि वर्टिकल है, इस डायरेक्शन में कर देंगे तो इस डायरेक्शन में रह जाएगा, इस डायरेक्शन में कर देंगे तो इसी डायरेक्शन में रह जाएगा, तो बॉडी जो रहेगी वो बैलेंस पोजिशन में आ जाएगी, तो स्टेबल पोजिशन, क्योंकि जो भी हम शिप डिजाइन करते हैं, सबमरीन डिजाइन करते हैं, शिप क्या रहती है, पार्शियल सबमर्ज्ड बॉडी, सबमरीन क्या रहती है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी। तो जो सबमर्ज्ड बॉडी होती है ना, उनके लिए यदि वो स्टेबल रहेंगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा ज्यादा होगा सेंटर ऑफ बायंसी से, जो पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी होती है, जबकि जो कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी होती है उसको, उनको सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, वो बोलते हैं मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट। तो वो वाला कॉन्सेप्ट जब हम कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। तो ये तो मैं बता रहा था आपको बायंसी क्या होती है, प्लस सेंटर ऑफ बायंसी क्या होती है, ये तो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि जो भी स्टेबल बॉडी चाहिए ना, जो कि पार्शियली सबमर्ज्ड है, तो उसके लिए जो सबमर्ज्ड है उसके लिए कंडीशन चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा
नीचे रहेगा और सेंटर ऑफ बायंसी हमेशा ऊपर रहेगा। दूसरी बात, दूसरी टाइप के लिए हम लेके आते हैं मेटा सेंटर या मेटा सेंट्रिक हाइट का कॉन्सेप्ट, तो वो वीडियो में मैं बनाऊंगा। उसको देखने के लिए आप चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी बायंसी फोर्स प्लस सेंटर ऑफ बायंसी के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि जब हम यदि उल्टा किसी जो सर्कल रहता है उसको ले लेंगे तो उसको फोर्स ही नहीं लगता है। क्या नहीं लगता उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, आप चाहें तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कार्ड में चले जाइए या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, उसमें आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। प्लस फूड फ्लूड मैकेनिक्स के अभी तक मैंने जितने वीडियो बनाए सभी की लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू।